रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच 9 अप्रैल को होने वाली जंग बेहद रोमांचक होने वाली है। ये मैच मुंबई के लिए करो या मरो के बराबर होने वाला है। शाम में शुरू होने वाले इस मुकाबले में मौसम की अहम भूमिका होगी। तो आपको बता दें कि इस मैच में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। मैच के दौरान आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और बारिश होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। हालांकि गर्मी से खिलाड़ियों का हाल बेहाल होने वाला है, क्योंकि अप्रैल शुरू हो चुका है और महाराष्ट्र में गर्मी अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। मौसम की बात करें तो यहां का तापमान शनिवार को 33 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं हवा 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि ह्यूमिडिटी 67% होगी। यानी कि मैच के दौरान उमस काफी ज्यादा होगी और खिलाड़ियों को इस भीषण गर्मी का सामना करते हुए अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच पुणे के एमसीए स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले बात करें यहां की पिच की, तो ये गेंदबाजों के लिए काफी मददगार है और इस मैदान पर अच्छा स्कोर भी देखने को मिलता है, जैसा कि इस सीजन में कुछ मैचों में देखने को मिला है। इस मैदान पर T20 में पहली पारी का औसत 153 है, जबकि दूसरी पारी का औसत 128 है। इस पिच पर IPL 2022 का आखिरी मुकाबला गुजरात और दिल्ली के बीच खेला गया था, जिसमें टाइटंस ने शानदार जीत दर्ज की। दोनों टीमों ने कुल 150 रन का स्कोर बनाया था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस IPL के इस सीजन में पहली बार एक दूसरे का आमना सामना करने उतरेंगी, लेकिन दोनों टीमों के बीच अब तक हुए IPL मैच के आधार पर हेड टू हेड की बात की जाए तो दोनों की भिड़ंत कुल 31 मैचों में हुई है। इनमें से मुंबई का शोर सबसे ज्यादा रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने सबसे ज्यादा 19 मैचों में जीत दर्ज की है, तो वहीं RCB को कुल 12 मैच में जीत हासिल हुई है। यानी कि हेड टू हेड के आधार पर इस फ्रेंचाइजी का पलड़ा भारी है, लेकिन इस बार कहानी कभी भी पलट सकती है। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि आज के मैच में MI या फिर RCB अपना कमाल दिखा पाएगी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।